आप सुने सब बच्चे ध्यान से, अपन ने पॉइंट नंबर वन कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली। कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन पॉइंट नंबर वन पढ़ लेने के बाद अपन लोगों ने पॉइंट नंबर टू, जो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन के अंदर फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी आती है, वो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या क्या अलग अलग कोनिक सेक्शन देती है या क्या क्या अलग कर्व देती है वो भी अपन ने पढ़ लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री के अंदर अपन ने सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक्सप्लोर किया, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक्सप्लोर किया और उसके अंदर देखा कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेसिकली क्या क्या ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करती है, कब सर्किल, कब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वो सारा देखा। पॉइंट नंबर फोर के अंदर अपन लोगों ने देखा कि अगर फोकस पता, डायरेक्ट्रिक्स पता, इसेंट्रिसिटी पता, जैसे अपन स्ट्रेट लाइन की खोज करते हैं तो पॉइंट स्लोप ढूंढते हैं, सर्किल की खोज करते हैं तो सेंटर और रेडियस ढूंढते हैं, वैसे ही अगर कोनिक सेक्शन की बात आएगी तो तीन चीजें ढूंढनी पड़ेगी, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। ये तीन चीजें मिलके एग्जैक्ट आपको कोनिक सेक्शन देंगी। अच्छा आप सुनो ध्यान से, तो मैंने पॉइंट नंबर फोर के अंदर अगर कोई भी जनरल कोनिक सेक्शन हो तो PS अपॉन PM इक्वल टू E की मदद से उसकी इक्वेशन निकालना सिखा दी। उसके बाद पॉइंट नंबर फाइव के अंदर कोनिक सेक्शन से जुड़े हुए अपन ने बहुत सारे जो जनरल पॉइंट हैं, एक्सेस, वर्टेक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें देखी। आज अपन लास्ट के दो पॉइंट, पॉइंट नंबर सिक्स और पॉइंट नंबर सेवन पढ़ेंगे और शुरू करेंगे पैराबोला। सबसे पहले पॉइंट नंबर सिक्स की हम लोग बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट नंबर सिक्स। सिक्स पॉइंट कुछ नहीं है, एक जनरल सी बात है जो कि अपन को ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर सिक्स को सब बच्चे ध्यान देखेंगे। गिवेन एनी सेकेंड डिग्री कर्व, कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व अगर गिवेन है, अब कोई भी जनरल ब्रह्मांड का अगर सेकेंड डिग्री कर्व है तो उसकी इक्वेशन ऐसी ही कुछ दिखाई पड़ेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू। ध्यान दें, ब्रह्मांड का कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व है तो उसकी इक्वेशन ऐसी ही कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगी, सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, कुछ भी हो, वो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल। आप सुनेंगे ध्यान से, कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व है और कर्व के ऊपर अगर पॉइंट एक्स वन वाई वन है, मैंने दो बार बोला और मैं लिख भी देता हूं कि एक्स वन वाई वन मस्ट लाई ऑन कर्व, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, गड़बड़ मत करिएगा। अगर एक्स वन वाई वन कर्व के ऊपर है तो एक्स वन वाई वन पर जो टेंजेंट आएगी, कोई भी कर्व ले लो, एक्स वन वाई वन पर जो टेंजेंट आएगी, इस टेंजेंट की इक्वेशन आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, कैसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज सिंपली ऑब्टेंड बाय रिप्लेसिंग, कैसे कैसे रिप्लेस करने पर, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए वाई वाई वन से, एक्स वाई को रिप्लेस कर दीजिए एक्स वन वाई एक्स वाई वन बाई टू से, एक्स को रिप्लेस कर दीजिए एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, और फाइनली चलिए वाई को रिप्लेस कर दीजिए वाई प्लस वाई वन बाई टू से, इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। टेंजेंट निकालने की ये प्रक्रिया सब बच्चों को ध्यान रहनी चाहिए। अगर कर्व के ऊपर ही एक्स वन वाई वन पॉइंट है, अगर कर्व के ऊपर ही एक्स वन वाई वन पॉइंट है, तो इस एक्स वन वाई वन पॉइंट पे आप खट से टेंजेंट निकाल सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एंड सो ऑन रिप्लेस करने। फॉर एग्जाम्पल, छोटे एग्जाम्पल एक दो लेते हैं, ये जनरल मेथड है ब्रह्मांड के किसी भी सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई भी हो, ब्रह्मांड के किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व के ऊपर टेंजेंट निकालने के काम में आती है। मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग, हाँ अब सुनो, मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, वैसे मैं बताऊं ये कर्व ऐसा होता है, अगर इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट एक्स वन वाई वन है तो आप सीधे लिख सकते हैं टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, फोर ए इंटू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। ये सिक्स पॉइंट कोई भी अगर ब्रह्मांड में सेकेंड डिग्री कर्व दे दे और उस कर्व के ऊपर अगर एक्स वन वाई वन लाई करता है, अगर कर्व के ऊपर एक्स वन वाई वन लाई करता है
तो एक्स वन वाई वन पर आप खट से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं बाई यूजिंग दिस। जैसे मान लीजिए आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपको कोई कर्व की इक्वेशन दे दे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। वैसे आगे जाके पढ़ेंगे कि एक इलिप्स होता है, अब इलिप्स के ऊपर अगर कोई पॉइंट एक्स वन वाई वन किसी ने आपको दे दिया और एक्स वन वाई वन पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई वाई वन से, तो हम लिख सकते हैं खट से टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन कितनी निकल के आ जाएगी, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये लीजिए, ये सिक्स्थ पॉइंट एक छोटा सा मेथड है, ब्रह्मांड के किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व अगर है, कोई भी सेकेंड डिग्री का कर्व है और उस कर्व के ऊपर अगर एक्स वन वाई वन पॉइंट स्थित है, कर्व के ऊपर अगर एक्स वन वाई वन पॉइंट स्थित है, तो आप एक्स वन वाई वन पर बड़े आराम से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं इस रिप्लेसमेंट द्वारा। इसका यूज अपन पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, सर्किल में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, सब जगह कर सकते हैं। अगर कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है तो बड़े आराम से कर्व इक्वेशन निकाली जा सकती है। कॉपी करो, इधर ध्यान दो बेटे। आइए एक दो क्वेश्चन जो भी अपन ने थ्योरी पढ़ी, आइए उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मान लो कोई आपसे बोले फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,2 ऑन कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, फोर एक्स गलत लिख दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। अब सिर्फ हमको ये चेक करना है कि ये पॉइंट इस पर लाई करता है कि नहीं करता, तो हम रख के देखें एक्स को और वाई को लाई करता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हमारे। अब हमने कर्व भी नहीं पढ़ा, हमने तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन स्टिल हम टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई वाई वन से, वाई वाई वन से यानी वाई इंटू टू, वाई वन यहाँ टू हो गया। एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, एक्स वन का मतलब वन यानी एक्स प्लस वन बाई टू से, तो मैं खट से लिख सकता हूं टेंजेंट एट 1,2 ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स इज 2y इज इक्वल टू फोर टाइम्स एक्स प्लस वन बाई टू। मिल गई टेंजेंट की इक्वेशन, एक बार में आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। इस कंसेप्ट का बस बेनिफिट यही है कि अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो आपको कैलकुलस का रास्ता तो बच जाएगा, टाइम बचेगा, आप चाहो तो डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन उसमें इससे ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। लेकिन ये केवल एप्लीकेबल है, केवल वैलिड होगा सेकेंड डिग्री कर्व के लिए, केवल सेकेंड डिग्री कर्व के लिए। मान लीजिए एक और क्वेश्चन करना चाहें, क्वेश्चन कहे फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस टू इक्वल। अब ये एक ऑब्लिक हाइपरबोला है, एक्चुअली ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला भी नहीं है, दिस इज एन ऑब्लिक हाइपरबोला, लेकिन कोई खास बात नहीं है इसमें। अगर ऑब्लिक हाइपरबोला है भी तो भी हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो मेथड सेट है, पहले चेक करो 1,1 इस पर लाई करता है कि नहीं करता, करता है लाई, यानी 1,1 कर्व के ऊपर का पॉइंट है और 1,1 कर्व के ऊपर का पॉइंट है और मुझे कर्व के ऊपर ही टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, कोई टेंशन नहीं। एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स एक्स वन से, यानी केवल x से, क्योंकि x1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y y1 से, यानी केवल y से, एक x into y का टर्म दिख रहा है तो x into y को रिप्लेस करते हैं x1 y x y1 by 2 से, इससे, यानी इस केस में रिप्लेस करेंगे x plus y by 2 से, क्योंकि पॉइंट 1,1 है। तो सीधे एक बार में मैं लिख सकता हूं, सीधे एक बार में मैं लिख सकता हूं कि टेंजेंट एट 1,1 गलत लिख दिया है, टेंजेंट एट 1,1 ऑन कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो इज कितनी निकल जाएगी, एक्स माइनस वाई प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस वाई बाई टू। ये लीजिए, बिना कुछ पढ़े ही हमको मिल गई टेंजेंट की इक्वेशन, क्योंकि मेनली जो चीज आईटी में आती है वो कर्व और उसके टेंजेंट ही आती है। तो अगर आपको कोई भी कर्व मान लीजिए गिवन है, तो जो मैंने आपको स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट बताया है उस स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट की मदद से
आप बहुत आराम से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। कॉपी करिए। हेलो सर। अब सब बच्चे फिर से ध्यान देंगे जो बात मैं कहने जा रहा हूं। अब हमने 6 पॉइंट पढ़ लिया, 7th और लास्ट पॉइंट जो कि अपन को समझना है, भैया गुरुजी ये सब तो ठीक है, बाकी सब तो समझ गए गुरुजी, कोनिक सेक्शन। अब आप कहते हैं मैथ में हर चीज का नाम थोड़ा लॉजिक से लिखा जाता है, तो एक तो दो चीजें गुरुजी आपने नहीं बताई। एक तो जो है जब आप लिख रहे थे कि डेल्टा जीरो हो जाएगा तो डी जेनरेट कोनिक हो जाएगा, डी जेनरेट कोनिक क्या होता है, दूसरी चीज इसका नाम कोनिक सेक्शन क्यों है। तो अब मैं सातवीं चीज बताने जा रहा हूं, वाई नेम कोनिक सेक्शन। इसका नाम कोनिक सेक्शन क्यों है, कोन, सब बच्चे देखेंगे कोन, ये होता है कोन, ये हमारा कोन, ये कोन से सब बच्चे परिचित हैं, आइसक्रीम आइसक्रीम खाए हैं। इसी कोन को अगर अपन ऐसे एक्सटेंड कर दें, इसी कोन को अगर अपन ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ये कहलाता है डबल कोन। ये क्या कहलाता है, डबल कोन, दिस इज नोन एज डबल कोन। सिंगल कोन से भी काम चल सकता है, बट डबल कोन ज्यादा बेटर है। अब आप डबल कोन के अंदर यहां पर एक लाइन होगी जिसको हम कहेंगे एक्सिस। एक्सिस का मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है हमेशा। कभी भी कहीं भी शब्द एक्सिस बोला जाए तो उसका मतलब हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही होता है। कभी भी कहीं भी शब्द एक्सिस बोला जाए तो उसका मतलब हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। तो ये हो गई इस डबल कोन की एक्सिस, और वैसे भी देख सकते हैं इसके अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ये जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है जेनरेट्रिक्स। ये एंगल अल्फा स्टैंडर्ड सा है। अब इसका नाम जेनरेट्रिक्स क्यों है यू समझिए, मैं समझाता हूं इसका नाम जेनरेट्रिक्स क्यों है, क्योंकि अगर ये एक्सिस है और इस ये लाइन है दूसरी लाइन अल्फा एंगल पर, अगर इसको अल्फा एंगल पर ऐसे घुमा दूं ऐसे, तो पूरा कोन जेनरेट हो जाएगा। तो एक्सिस के अबाउट घूमकर कोन को जेनरेट करने वाली लाइन जेनरेट्रिक्स कहलाती है, इसलिए उसका नाम जेनरेट्रिक्स है, क्योंकि आप सिंगल लाइन से पूरा कोन जेनरेट कर सकते हैं। सारे नाम लॉजिकल है, मैं बताता हूं, मैथ इतनी बढ़िया है कि आप नाम पढ़ के 50% बात बता सकते हैं। इसका नाम कोनिक सेक्शन इसीलिए पड़ा है क्योंकि कोन को अलग अलग प्रकार से सेक्शन करने पर, काटने पर आपको पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल मिलेगा। अभी मैं काट के दिखाऊंगा। सबसे पहले जेनरेट्रिक्स, ये एक्सिस है। जेनरेट्रिक्स का मतलब एक ऐसी लाइन जो कि अगर किसी फिक्स एंगल पर ऐसे है अल्फा एंगल पर, तो अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर दें ऐसे, तो आप पूरा कोन जेनरेट कर लेंगे। दैट इज व्हाई इट्स नोन एज जेनरेट्रिक्स। अब यहां पर ये एंगल हमारे पास अल्फा निकल के आ गया। आइए इस कोन को मैं दोबारा बना लेता हूं, जरूरत पड़ेगी। डबल कोन, डबल कोन से की जरूरत नहीं है, सिंगल कोन भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है डबल कोन पर। ये रहा डबल कोन, ध्यान से देखेंगे, ये रही इसकी एक्सिस, वही कोन दोबारा बना रहा हूं, नया नहीं है कुछ, और ये एंगल अल्फा। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा जो बात मैं कहने जा रहा हूं। इसका नाम कोनिक सेक्शन इसलिए है बिकॉज दीज टू डी डायग्राम्स या कर्व्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेक्शनिंग। सेक्शनिंग का मतलब कटिंग द कोन एट डिफरेंट एंगल्स। ध्यान देना, इसका नाम कोनिक सेक्शन, सेक्शन का मतलब होता है पार्ट, पार्ट ये एक टेक्निकल टर्म है। सेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे काट देना, सेक्शन कर देना, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन इसका नाम इसीलिए है क्योंकि बिकॉज दीज टू डी डायग्राम, ये सारे टू डी डायग्राम से, टू डी कर्व्स है, ये सारे टू डी डायग्राम या कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड बाई सेक्शनिंग कटिंग द कोन एट डिफरेंट एंगल। ये सारे के सारे जो पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्किल है, इसको कोन को अलग अलग तरीके से काटने पर ऑब्टेन किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनेंगे,
मान लीजिए एक प्लेन है, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन की तरह सोचें, एक प्लेन है, ये लीजिए ये इनफाइनाइट प्लेन है ऐसे, पर ये प्लेन फिलहाल इससे 90 डिग्री पर है। हम क्या करते हैं, जो प्लेन है ध्यान से देखेंगे, ये जो प्लेन है, प्लेन और इसके इस एंगल को थोड़ी देर के लिए बीटा कह देते हैं, प्लेन और एक्सिस के बीच के एंगल को बीटा, बीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस, तो प्लेन और एक्सिस के बीच के एंगल को बीटा कह देते हैं। तो यहां पर देखिए ये एंगल ऊपर से बाहर निकलते हुए एक्सिस से नापा जाता है, जिस तरीके से अल्फा नापा है यानी ऐसे इसको, उसी तरीके से बीटा नापा गया, उल्टा मत नापिएगा वरना रिलेशन उल्टे हो जाएंगे और कुछ नहीं। चलो अच्छा, अब देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग तो आप लोगों का भर भर के भगवान ने दे रखा है, मतलब इतना दिमाग शायद ही किसी के पास हो। अगर एक प्लेन बिल्कुल इसको ऐसे काटेगी तो जो ये हिस्सा कटा हुआ दिखेगा वो दिखेगा सर्किल, तो बीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर आपको मिलता है सर्किल। बिल्कुल अगर कोण को ऐसे काट दें, एक्सिस के परपेंडिकुलर काट दें, तो जो ऊपर का ऐसे कोण का हिस्सा दिखाई पड़ेगा, जो कोण का सेक्शन दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे गोल गोल सर्किल दिखाई पड़ेगा। क्योंकि कोण के सेक्शन से बने हुए कर्व हैं, इसीलिए इसका नाम है कोनिक सेक्शन। आइए मैं आपको बताऊं कि अलग अलग एंगल पर क्या क्या मिलता है। तो आगे यहां पर अपन ने बीटा और अल्फा अपन ने डिफाइन कर लिया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस सेंस में अल्फा नापिएगा उसी सेंस में बीटा नापिएगा, जैसे अल्फा वैसे बीटा, गड़बड़ करिएगा तो ये सारे रिजल्ट होल्ड कर जाएंगे। तो बीटा 90 डिग्री पर आपको मिल जाएगा सर्कल, डॉट बीटा 90 डिग्री पर सर्कल मिल जाएगा। आइए अब जरा इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, बीटा 90 डिग्री पर सर्कल, अगर यहीं पर मान लीजिए, यहीं पर मान लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा देखना है आप लोगों को, वापिस से एक्सिस, ये एंगल अल्फा। अब मान लीजिए जो प्लेन है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, प्लेन थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, हल्का सा टिल्ट हो, तो आपको उस केस में मिलेगा एलिप्स, पर ज्यादा टिल्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा टिल्ट नहीं होना चाहिए। अब ये ज्यादा का गुरुजी क्या मतलब है, ज्यादा का मतलब मैं बताता हूं कि बीटा 90 डिग्री से छोटा हो लेकिन अल्फा से बड़ा हो, तो इस केस में आपको मिलेगा एलिप्स। ये जो कोण का जो जेनरेट्रिक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, जेनरेट्रिक्स और एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा है, ये हमारा एक्सिस है। अगर जो बीटा जो एंगल है जो प्लेन एक्सिस के साथ बना रही है, वो एंगल अगर अल्फा और 90 के बीच में है, तो ऐसे ऊपर से जब आप इसे काटेंगे और देखेंगे तो ऐसे एलिप्स मिलेगा। आइए और बात करते हैं, यहीं पर अगर आप इसको टॉर्च की लाइट से भी बना सकते हैं, पता नहीं आपने जीवन में कभी टॉर्च से खेला है कि नहीं खेला, पहले बचपन में हम खेलते थे, अब तो टॉर्च का यूज ही नहीं आता, कभी घर में इन्वर्टर लगा है पता नहीं लगता लाइट जाती कि नहीं आती। टॉर्च को बिल्कुल ऐसे रखेंगे तो सर्किल बनेगा, पुराने टाइम में गोल वाली टॉर्च आती थी, और टॉर्च को हल्का सा ऐसे इंक्लाइन करेंगे जो उसके अंदर का एंगल होता है वो जान दो उतना समझाने की जरूरत नहीं है, तो एलिप्स बनेगा। ज़्यादा इंक्लाइन कर देंगे तो पैराबोला, और उसके अगर अल्फा को बीट कर देंगे तो हाइपरबोला। आइए यहाँ पर बात करें, अगर मान लीजिए आपका बिल्कुल जो प्लेन है, आपका जो बिल्कुल जो प्लेन है वो बिल्कुल अल्फा एंगल पर ही काट दे, आपका प्लेन एग्जैक्टली वही एंगल बनाए बीटा और अल्फा, तो इस केस में जो डायग्राम आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। और जब बीटा और अल्फा बिल्कुल बराबर होते हैं तो डायग्राम मिला, इसको दूसरे रंग से भी भर देता हूं ताकि वो अलग दिख जाए वरना व्हाइट व्हाइट में मर्ज हो जा रहा है। तो उस केस जब बीटा और अल्फा बिल्कुल बराबर होंगे तो उस केस में ऐसा कटिंग मिलेगा,
आप आज कोन लेके काट के खेलें? बोले गुरु जी ने बोला है आपको मिलेगा पायरा बोला। बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल ऐसा मिलेगा, बिल्कुल पैरा बोला, बेहतरीन। अगर आप डॉट अल्फा एंगल पे काटते हैं क्रैक, तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा पैरा बोला। डॉट आप उसको अल्फा एंगल पे बिल्कुल ऐसे काटेंगे तो बिल्कुल पैरा बोला दिखाई पड़ेगा। आइए आप बताते हैं हाइपरबोला कब मिलेगा। एक लास्ट डायग्राम है। अरे देखो कौन रोटी बनवा रहा है, पढ़ ले बच्चा, बीच में डिस्टर्ब ना हो जाओ। अब आइए और अब यहां पर देखेंगे, और अगर अल्फा, जो ये अल्फा बीटा, अगर अल्फा से बड़ा हो जाए, ध्यान देंगे बिल्कुल, यहां पर देखिए, यहां पर सॉरी अल्फा छोटा हो जाए, अल्फा बीटा 90 डिग्री के बीच में, अगर आप उसको और टिल्ट कर दें, 90 डिग्री था, धीरे 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 कम कर देगा अल्फा किया, अगर अल्फा से भी छोटा एंगल बनाने लग जाए प्लेन, अगर अल्फा से भी छोटा एंगल प्लेन बनाने लग जाए, यानी जीरो इज लेस देन बीटा लेस देन अल्फा, तो इस केस में आपको एक खतरनाक चीज मिलेगी ऐसे। जी, और इस केस में मिलेगा आपको हाइपर बोला। क्या मिल जाएगा आपको? हाइपर बोला। अगर बीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी हो गई और जीरो से छोटी, जीरो से बड़ी हो गई, तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा हाइपर बोला। जीरो अगर बना देंगे, इनके जीरो भी बना लेते हैं, यहां पर उसी रंग से कर देता हूं, तो भी आपको मिलेगा हाइपर बोला। ये लीजिए, तो आप पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, सब कुछ कोन को अलग अलग तरीके से काटने पर मिल जाता है। और अगर ये प्लेन, और अगर ये प्लेन इस सेंटर से पास हो जाए, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर, तो आपको मिलेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इफ दिस प्लेन पासेस थ्रू सेंटर, we get pair of straight lines। यहां पर भी प्लेन सेंटर से पास नहीं हो रहा है, इनमें से किसी भी केस में प्लेन सेंटर से पास नहीं हो रहा है। ये जितने केस मैंने आपको बताए हैं, सर्किल के, एलिप्स के, पैराबोला के, हाइपरबोला के, इनमें से किसी में भी प्लेन सेंटर से पास नहीं हो रहा है। If this plane passes through center, we get pair of straight lines for any angle beta. Beta कुछ भी रखें, अगर आपने उसको center से pass करा दिया, तो हर बार आपको pair of lines ही मिलेगी, curve नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सारे के सारे curve, क्योंकि ये सारे के सारे curve जो यहाँ बनाए गए हैं, ये सारे के सारे curve एक cone को अलग-अलग angle पर section करके मिलते हैं, इसीलिए इनका नाम है कोनिक सेक्शन। कॉपी करो।